हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोटैटो 65 बनाने की रेसिपी। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने पोटैटो 65 बनाने के लिए 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। मैंने इसे छील लिया है। आइए अब मैं इसे ग्रेट कर लेती हूँ। देखिए, अब मैं इस ग्रेटर की हेल्प से सारे पोटैटोज को ग्रेट कर लूँगी और मैं बड़े साइड वाले से ग्रेट करूँगी, छोटे साइड की तरफ से नहीं। देखिए, मैंने सारे आलू को इस तरह से ग्रेट कर लिया है। देखिए, अब आलू का कलर भी चेंज हो गया। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। आइए अब मैं सारे ग्रेट किए हुए आलू को मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। देखिए, मैं हाथों से दबाकर सारा पानी अच्छे से निकाल दूंगी। देखिए, मैंने इसे मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 5 चम्मच मैदा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1/2 लेमन का जूस। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर। देखिए, अब मैं इन सबको अच्छे से मिला दूंगी। देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आइए अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। देखिए, मैंने तेल गर्म कर लिया है। अब मैं इसे राउंड शेप में पकौड़े की तरह फ्राई कर लूँगी। मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। देखिए, अब ये ब्राउन होने लग गया। अब मैं इसे दूसरे साइड पे पलट देती हूँ। अब आप देख सकते हैं, ये अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी और मैं इसी तरह से सारे पकौड़े को फ्राई कर लूँगी। देखिए, मैंने इस तरह से सारे आलू को फ्राई कर लिया है। आइए अब मैं 65 मसाला तैयार कर लेती हूँ। देखिए, मैंने इसमें 2 बड़ा चम्मच के करीब तेल डाला है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 4 से 5 कटी हुई लहसुन, 2 साबुत लाल मिर्च, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च। देखिए, मैं ये सबको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और मैंने 1/2 कप के करीब दही लिया है। उसमें ऐड की हूँ 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 10 से 15 कड़ी पत्ते और मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी दही। देखिए, मैं इसमें दही ऐड करने के बाद 5 मिनट तक इसे अच्छे से भून लूँगी, जब तक दही की इसमें लच्ची से ख़त्म नहीं हो जाती। और मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून टोमेटो केचप। देखिए, अब मैं इसे अच्छे से भून ली हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पोटैटो फ्रिटर्स। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और अच्छे से इसे मिला दूंगी। अब आप देख सकते हैं, यमी पोटैटो 65 रेडी है। ये बहुत ही मज़े की बनी है और इसे बनाना ही बहुत आसान है।
आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।